की सजेशन है, कम से स्टार्ट करो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब कुछ भी नहीं था। एक सलाम अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मजे में। आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं, तो गाइस आज हम बात करते हैं शीप फार्मिंग। कोई भी भाई जब स्टार्ट करना चाहता है तो आज मैं उसको बताऊंगा कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है शीप फार्मिंग के, शीप फार्मिंग में तो कैसा कुछ सेटअप होना चाहिए और कितना प्रॉफिट आप ले सकते हो, जो कि आई थिंक सबका मतलब रहता है दिमाग में कि प्रॉफिट कितना होगा, पहले साल से ही होगा या कुछ साल वेट करना है। तो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो और मैं बताऊंगा कि मैं एक साल में कितना अर्न करता हूं अपने शीप से, अपने शीप फार्मिंग से। जो तो गाइज देखिए, शीप फार्मिंग जैसे कि आप जो जो मेरे वीडियोस रोज देखता है तो उसको पता ही होगा। देखिए, भेड़ों को खाली देखना नहीं होता है कि प्रॉफिट कहाँ से ले, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हर किसी बिजनेस में करना पड़ता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, मेहनत तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज से हम जो है स्टॉक जो है जमा कर रहे हैं, जो कि विंटर्स के लिए होगा हमारे भेड़ों के लिए। तो घास काटने वाले आगे बंदे 5-6, तो देखते हैं कि क्या कुछ किया है उन लोगों ने। देख सकते हैं आप, बालू ने नुकसान किया है हमारे पेड़ों को, सेब के पेड़ों को देख सकते हैं आप। चलो, इसका भी हक बनता है, मगर अगर ये खाएगा तो ठीक है, लेकिन पेड़ तो ये जरूरी तोड़ता है। ये तोड़ता नहीं, ये खुद ही टूटता है, इसका वजन बहुत ज्यादा होता है इसलिए। तो गाइस देख सकते हैं आप, काम चल रहा है हमारा, माशाल्लाह। चाय भी इन्होंने लाई, मैंने चाय भी इनको। तो गाइस सेब देख रहे हैं आप, ये हम उतारेंगे घर के लिए। तो वैसे भी इनको अगर यहाँ पे रखेंगे तो बालू ही खाएगा, इसलिए उतारेंगे तब तक। अभी तो हमें 10-15 मिनट यहाँ ही रुकना है, तो तब तक उतार लेंगे। मैंने वीडियो के पहले में बोला कि आज हम इस पे बात करेंगे शीप फार्मिंग जब स्टार्ट करें, तो हाँ सबसे पहले आप हेयर स्टाइल पे मत जाए, क्योंकि ये मैंने कुछ बाल काटे थे, पसंद नहीं होते मुझे ज्यादा बाल रखने, इसलिए तो बात करते। तो गाइस सबसे पहली बात, जब भी आप शीप फार्मिंग स्टार्ट करो, सबसे पहली बात आपको एक सेटअप की जरूरत है, जो कि एक नॉर्मल सा शेड आप बनाओगे, नॉर्मल सा। बहुत सारे भाई है जो कि पूरा एफर्ट देते हैं अपने सेटअप पे, और उसके बाद उनको जो है माल के लिए फिर पैसे नहीं होते, शीप खरीदने के पैसे नहीं होते, जिस चीज का बिजनेस है वो खरीदने के लिए फिर पैसे नहीं होते हैं। इस वजह से मैं हर एक भाई को, जो भी मुझे मिलता है, जो भी नया नया शीप फार्मिंग स्टार्ट करता है, तो हर एक भाई को मैं बोलता हूँ कि जब भी आप मतलब आप शीप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो, पूरा एफर्ट आप शेड पे मत दो, आप सेटअप पे पूरा एफर्ट मत दो, सबसे ज्यादा एफर्ट आप शीप लाने पे दो, जमा करो जितने भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई है जो कि पूरा एफर्ट जो है सेटअप पे देते हैं, उसके बाद पैसे नहीं होते। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सेटअप बनाना है नॉर्मल सा, जिसमें 40 से 50 बेड आए आराम से। तो उसके बाद आपको जो है बेड लाने, बेड आप कैसे, बहुत सारे भाइयों का सवाल होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब 10, 20, 30, 40। भाई जैसा आपका मतलब, अब हर कोई हायर क्लास नहीं होता है, बहुत सारे भाई जो भी ये बिजनेस करता है वो मिडिल क्लास ही होता है, आज तक मैंने देखा है। तो अगर आपकी मतलब प्रॉफिट ठीक ठाक देना चाहते हो, तो आप 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा होता है 50 से स्टार्ट करना। मैंने तो 50 से नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट जो है जल्दी होता है आपके पास। तो अब जिसके पास उतना मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, कोई मसला नहीं है, आप 20 से 30 शीप्स से भी आप
अर्निंग कर सकते हो एक साल के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसको जो है डेली इनकम नहीं बना सकते, क्योंकि आप हर रोज एक एक शीप नहीं बेच सकते हो, वैसे करके आपके सारे शीप्स खत्म हो जाएंगे एक ही महीने में। तो इसका जो हिसाब करते हैं हम, वो होता है साल भर के लिए। जब हम एक साल में एक बार, आप हर रोज भी बेच सकते हो, ये एक मतलब ना एक एटीएम जैसा होता है, जब भी आप चाहो पैसे निकाल सकते हो, जब भी आप चाहो आप बेड बेचो पैसे निकालो। तो ऐसा ही कुछ रहता है। लेकिन हम ज्यादा क्या करते हैं, हम कुर्बानी जब होती है उसका टाइम, कुर्बानी ईद का जब सीजन होता है, तो उसी में हम जो है अपने बेड सेल करते हैं, उसी में हमारा प्रॉफिट, हमारा खर्चा निकल जाता है, तो अच्छा खासा जो है खर्चा निकलता है। तो जब आप 20 से 30 शीप्स की जो है, मेरे ख्याल से जो है ना कि मतलब कम ही से स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप, जब आप 20 से 30 शीप्स लाओगे, तब आप, जब आपके 40 हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, उस तक आपको मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई होगी, तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप फिर 100 शीप पालो, 200 शीप पालो, क्योंकि आपको फिर क्या है ना कि आपको मतलब एक्सपीरियंस है शीप से। अगर कोई भी शीप बीमार हो, मतलब आप कोई भी टेंशन नहीं, आप खुद ही कर सकते हो सब कुछ। तो ऐसा कुछ रहता है। पिछले महीने जो है हमारे डॉक्टर्स जो है वो लीव पे थे, पता नहीं लीव पे थे, उन्होंने बोला है कि हम 3 महीने नहीं आ सकते आपके फोन पे, या मतलब आपके शी फार्म पे अगर आप फोन करोगे तो हम नहीं आ सकते। तो पिछले 3 महीने से हमारे कितने बेड बीमार हो गए ये मैं ही जानता हूं, कि क्या कुछ रहा, जो कि किसी किसी वीडियो में मैं आपने आपको भी बोला कि क्या कुछ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी जो है डॉक्टर की मतलब नहीं चाहा कि आप डॉक्टर आए, आप हमसे नहीं हो सकता है कुछ, तो हमने सब कुछ जो है खुद ही किया। तब किया हमने जब हमको एक्सपीरियंस थी, हमने एक्सपीरियंस किया था कि क्या कुछ शी फार्मिंग में चाहिए, कैसे कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। तो इस वजह से मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप क्या करें, आप 20 से 30 शीप लाए और अच्छे से आपके अपने शीप फार्मिंग करें। भाई मेरी एक ही सजेशन है, कम से स्टार्ट करो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब कुछ भी नहीं था, एक शेड था, एक सेटअप बना के था जिसको कोई भी उठा ले जा सकता था। तो एक बेड था कि दो बेड थे, तो उन्हीं पे इतना कुछ स्ट्रगल करके मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आज 50 से भी ऊपर ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप कम से स्टार्ट करो जितना हो सके, अगर आपके पास पैसे है एफोर्ड कर सकते हो फिर भी आप कम से स्टार्ट करो, मेरी यही सजेशन है। तो उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और